नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। नौकरी संवाद कार्यक्रम के तहत आजमगढ़ जनपद पहुंचे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन तनु यादव। डीएवी डिग्री कॉलेज में आयोजित नौकरी संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम में जिला संघ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राम मनोज पांडे, युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव अभिजीत तिवारी विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने फॉर्म भरा। नौकरी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तनु यादव ने कहा कि यूपी में बेरोजगारी सबसे अधिक है। बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, जो छलावा साबित हुई। बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं के हक और हकूक की आवाज़ युवक कांग्रेस बुलंद करेगी और उनका हक दिलाएगी। सरकार ने रोजगार देने के बजाय करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया और लगातार उनका रोजगार छीनने का काम कर रही है। हर ब्लॉक स्तर पर हम बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज़ सुनने की और उनके हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आधे रास्ते हम आ चुके हैं। फिलहाल फॉर्म भरने की प्रतिक्रिया चालू है और उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख फॉर्म हमारे पास इकट्ठा हो चुके हैं और 8 लाख फॉर्म लगभग हमारा अनुमान है कि हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे। जब फॉर्म हमारे पास सारे फॉर्म आ जाएंगे, उसके बाद हम इन सारे लोगों की प्रोफाइलिंग करेंगे और प्रोफाइलिंग करने के बाद हम इन बेरोजगार युवाओं के लिए एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, क्या इससे लाभ होगा युवाओं? इससे सर लाभ होगा कि घर घर में लोग त्रस्त हैं, बच्चों की नौकरियां नहीं लगी हैं, जिन लोगों की नौकरियां थी वो नौकरियां जा रही हैं, तो घर और अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? तो बेरोजगारों की आवाज़ किसी को तो बनना पड़ेगा, किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी कि ये देश कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। योगी जी कहते हैं 1 करोड़ रोजगार दे दिए, वो रोजगार किसी को मिला नहीं, हमें तो कोई आज तक पूरे प्रदेश में घूमते हुए मिला नहीं कि मुझे मिला है। उसके बाद ये कहते हैं कैसी सरकार है, कहते हैं पकौड़े तलना रोजगार है, भीख मांगना रोजगार है। इस तरह की मानसिकता के लोग क्या तो देश को चलाएंगे और क्या ये सामाजिक ताने बाने को समझेंगे जो खुद ही समाज का हिस्सा कभी रहे। किस तरह सर? बहुत जोर शोर से लोग जुड़ रहे हैं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको ये बता रही हूँ कि लोग बहुत जहाँ सुन लेते हैं वहाँ फोन करके। सोनिया गांधी, प्रियंका जी तथा राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का आभारी हूँ। लल्लू जी मुझे बुला करके लखनऊ मुझे ये पद दिए और इस पद के गरिमा को मैं जो है कांग्रेस पार्टी के हित के लिए जो है हर तरह से मैं जो है तैयार रहूँगा और कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए जो है जी जान से जो है मेहनत करूँगा। क्या रणनीति रहेगी कि आने वाले दो? मैं बस इतना जानता हूँ कि प्रवीर सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ जनपद में कांग्रेस पार्टी प्रवीर सिंह जी नवयुवकों को लेकर के और सिंगरों को लेकर के जो यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं श्यामदेव यादव पुराना राम नरेश जी यादव के समय से जो है कांग्रेस में हूँ और प्रवीर सिंह जो है आजमगढ़ के उत्थान के लिए जो है हर संभव कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर से मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ जितनी मेहनत हो रही है, ब्लॉक प्रमुख और सचिव और सभी लोग जो पदाधिकारी इतना काम कर रहे हैं कि निश्चित रूप से 3-4 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। प्रधानी का